बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल माय क्रिएशन। व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से अम्ब्रेला मैक्सी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, हमने इसके लिए नेट ली है और ये भी हमने नेट ली है जो हमने घघरी बनानी है, और ये लाइनिंग ली है। व्यूवर्स, ये हम 8 ईयर्स की बच्ची के लिए मैक्सी बना रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ये देखिए, जो हमारे पास एम्ब्रॉयडर्ड नेट है, हमने ये लेनी है। देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले हम जो फ्रॉक बना रहे हैं इसकी पेटी बनाएंगे। तो पेटी के लिए हमने ये देखिए 24 इंचेस कपड़े की पैमाइश की है। कपड़े को हमने डबल करके रखा है और विड्थ आपको बताते हैं 15 इंचेस है। ऊपर से जो हमने शोल्डर की पैमाइश लेनी है वो 6 इंचेस है। और आर्म होल हमने 6 इंचेस ही लेना है व्यूअर्स। और जो हम चेस्ट की पैमाइश ले रहे हैं वो 8 इंचेस है। ये व्यूअर्स हमने इस शेप में कटिंग कर लेना है। अब आपको कटिंग करना बताते हैं। व्यूअर्स, हम फ्रंट पीस की कटिंग कर रहे हैं। और ये देखिए, हमने नीचे तक कटिंग करने के बाद इसे थोड़ा इस शेप में कटिंग किया है। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमने बिल्कुल राउंड नहीं किया है नीचे से, ये कुछ इस तरीके का आपको नजर आ रहा है। इसके बाद व्यूअर्स नेकलाइन की कटिंग करेंगे। तो आपको नेकलाइन की पैमाइश बताते हैं। हमने 2.5 इंचेस या 3 इंचेस भी रख सकते हैं। देखिए, हम 3 इंचेस ले रहे हैं। लेंथ और विड्थ भी हमने 3 इंचेस ही रखनी है। और अब इसकी कटिंग करेंगे। राउंड हमने नेकलाइन बनानी है। और ये देखिए व्यूअर्स, जो हमारी पेटी जो हम बना रहे हैं फ्रंट, वो रेडी है। कटिंग हो चुकी है। अब व्यूअर्स, हमने घघरी की कटिंग करनी। तो घघरी की कटिंग के लिए व्यूअर्स हमने नेट यूज करनी है। नेट की हमने घघरी बनानी है। और ये हमने इसे इस तरीके से रखना है कि एक ट्रायंगल शेप में आ जाए कपड़ा। अब आपको कपड़े की पैमाइश कर बताते हैं कि हमें किस साइज की घघरी बनानी है। तो व्यूअर्स, जो हम घघरी बनाएंगे वो 30 इंचेस की है। ये देखिए, 30 इंचेस की हमने घघरी बनानी है। और आप देख रहे हैं, ऊपर से जो हमारा कपड़ा है हम इसे कटिंग कर देंगे। थर्टी इंचेस की बनाने के लिए अम्ब्रेला घघरी हमने इस तरीके से निशान लगाना है। और इसी तरीके से निशान लगाते जाना है ताकि जब हम अम्ब्रेला घघरी कटिंग करें तो बिल्कुल सही शेप में कटिंग हो जाए। और ये देखिए, अम्ब्रेला घघरी जो है वो कटिंग हो चुकी है। अब व्यूअर्स, हमने ऊपर से कटिंग कर लेनी है ताकि जो हमारी अम्ब्रेला घघरी है वो मुकम्मल कटिंग हो जाए। और ये देखिए, जो घघरी है वो कटिंग हो चुकी है। इसके बाद व्यूअर्स, हमने घघरी की लाइनिंग की कटिंग करनी है। तो आप ये देखिए, हमने जो लाइनिंग के लिए कपड़ा लिया है इसे हमने इस शेप में रखा है कि एक ट्रायंगल हमें नजर आ रहा है।
और इसके ऊपर व्यूअर्स हमने जो घघरी कटिंग की है अम्ब्रेला उसे रखकर कटिंग कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से अम्ब्रेला घघरी जो है वो कटिंग हो चुकी है। ऊपर से भी हमने सेम शेप में कटिंग कर लेना है। व्यूअर्स देखिए जो हमने नेट का अम्ब्रेला कटिंग किया है वो डबल है और जो हमने लाइनिंग कटिंग की है वो सिंगल अम्ब्रेला कटिंग किया है। ये देखिए डबल अम्ब्रेला और ये हमने सिंगल अम्ब्रेला कटिंग किया है। और इसे हम इस तरीके से स्टिच करेंगे दोनों को साथ ही। इसके बाद व्यूअर्स हमने पेटी की कटिंग करनी है। लाइनिंग हम कटिंग कर रहे हैं फ्रंट और बैक दोनों साइड की। तो ये देखिए 12 इंचेस हमने वेट ली है और लेंथ आपको बताते हैं 9 इंचेस ले रहे हैं व्यूअर्स, 9 इंचेस लेंथ लेंगे। 6 इंचेस हमने ये देखिए ऊपर से पैमाइश की है और 6 इंचेस ही हमने आर्म होल की पैमाइश करनी है। और अब इसकी कटिंग कर लेंगे व्यूअर्स। आर्म होल हमने इस तरीके से कटिंग करना है। इसके बाद ये देखिए साइड की हमने इस तरीके से कटिंग करनी है। और अब व्यूअर्स नीचे से भी कटिंग करके इसे बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे ताकि जब हम इसे घघरी में लगाएं तो कोई प्रॉब्लम ना हो। आप देख रहे हैं व्यूअर्स बैक पीस जो है वो हमने ओपन बनाया है और फ्रंट पीस जो है वो बिल्कुल सही है देखिए। और इसके ऊपर जो हमने पहले कटिंग की है नेट की एम्ब्रॉयडर्ड जो हमने पेटी की कटिंग की है देखिए इसके हिसाब से हमने नेकलाइन की कटिंग कर लेनी है। राउंड नेकलाइन व्यूअर्स कटिंग करेंगे सेम शेप में हमने कटिंग करनी है नेकलाइन ताकि ये आगे पीछे ना हो ना ही छोटी बड़ी हो। और आप सोच रहे होंगे व्यूअर्स कि हमने बैक पीस और फ्रंट पीस की लाइनिंग जो है वो छोटी कटिंग की है जबकि हमने जो आउटर ऊपर की हमने कटिंग की है वो थोड़ी सी बड़ी कटिंग की है पेटी। तो ये अब हम आपको रखकर दिखाएंगे कि आपने किस तरीके से रखकर इसे लगाना है। देखिए व्यूअर्स ये हमने अम्ब्रेला घघरी रखी है और इसके ऊपर अब हमने ये फ्रंट और बैक दोनों पीसेस की जो कटिंग की है पेटी की वो रखकर आपको दिखाएंगे। फ्रंट पीस रखकर दिखा रहे हैं, बैक पीस भी सेम इसी तरीके से हमने लगाना है इसमें। और व्यूअर्स ये जो हमने पेटी बड़ी साइज की कटिंग की है एम्ब्रॉयडर्ड नेट की से इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे। जो हमारी मैक्सी है देखिए अम्ब्रेला मैक्सी हमने ये बनाई है ये इसके ऊपर इस तरीके से आएगी, इतनी इतनी स्ट्रेच हो जाएगी और बाकी इसके ऊपर इस तरीके से गिरेगी, बहुत ही खूबसूरत लगेगी ये। और नीचे से फिर हम इसके कट्स बना देंगे जिस हिसाब से एम्ब्रॉयडरी हुई भी। ये देखिए आपको थोड़ा सा करीब से दिखाते हैं कि ये जो फ्लावर बने हुए हैं सितारों के इसे हमने कटिंग कर लेना है। काव्या की मदद से भी कटिंग कर सकते हैं और आप कैंची की मदद से भी कटिंग कर सकते हैं। और अब हम आपको ये स्टिचिंग करना बताएंगे व्यूअर्स। अब हम आपको बता रहे हैं कि आपने किस तरीके से मैक्सी को स्टिचिंग करना है। तो ये देखिए हमारे पास ये मैक्सी का फ्रंट पीस है और ये हमने लाइनिंग पेटी कटिंग की हुई है इसे इसके ऊपर रखकर स्टिच करेंगे। राउंड सबसे पहले हमने नेकलाइन बनानी है, देखिए राउंड नेकलाइन है इसकी। इसमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे ताकि जब इसे सीधा करें तो ये बिल्कुल ठीक तरीके से सीधा हो जाए। देखिए व्यूअर्स ये इस तरीके से हमने अंदर की साइड ये कपड़ा कर दिया है लाइनिंग ब्लैक। अब इसके ऊपर हमने बैक पीस रखना है
और बैक पीस की भी हमने सेम लाइनिंग इसी तरीके से स्ट्रेच कर लेनी है नेक लाइन की। अब हमने इस तरीके से रखना है बैक पीस का एक हिस्सा और दूसरे जो लाइनिंग है उसे दूसरी साइड रखना है और सेंटर में हमने शोल्डर रखना है फ्रंट पीस का। आप देख रहे हैं व्यूअर्स, सेंटर में हमने शोल्डर रखा है फ्रंट पीस का और ऊपर नीचे बैक पीस रखा है। नेक लाइन की भी इसी तरीके से स्टिचिंग कर ली है इसके साथ रखकर, इसमें भी कट्स लगाएंगे और इसे सीधा कर लेंगे। व्यूअर्स देखिए, दोनों शोल्डर हमने स्टिच कर लिए हैं और नेक लाइन भी हमने बैक पीस की स्टिच कर ली है। अब इसके बाद हमने करना ये है कि फ्रंट और बैक जो हमने पेटी की कटिंग की हुई है, देखिए सितारों वाली एम्ब्रॉयडरी वाली जो पेटी है, अब हमने इसे स्टिच करना है दोनों साइड से और इसके बाद लाइनिंग को अलहदा से स्टिच करना है। देखिए व्यूअर्स, दोनों के ऊपर के कपड़े को हमने स्टिच कर लिया है साइड से और अब हमने लाइनिंग को भी इसी तरीके से स्टिच करना है। ये देखिए, दोनों साइड से हम अलहदा अलहदा स्टिच करेंगे। देखिए व्यूअर्स, अब हमने दोनों पीसेस को अलहदा अलहदा, इनर और जो हमारी ऊपर की है शर्ट, इसे अलहदा स्टिच कर लिया है। ये इस वजह से किया है ताकि ये सितारों वाला जो कपड़ा है ये बच्ची को चुभे ना, अंदर की साइड जो होता है वो चुभता है बच्चों को। और आप देख रहे हैं ये स्टिच हो चुका है। अब इसके बाद हमने इसमें घघरी अटैच करनी है। अब व्यूअर्स, हमने जो इनर शर्ट ये जो पेटी है इसमें हमने घघरी को लगाना है, तो घघरी हम नेट की पहले लगाएंगे और बाद में हम इसका इनर लगाएंगे, इनर घघरी बाद में। तो इसकी वजह से हमने ये देखिए इसे इस तरीके से रखना है। ये पहले इसलिए लगा रहे हैं कि जब हम वो लगाएंगे इनर तो ये बुरा नहीं लगेगा। व्यूअर्स, इसे हमने एहतियात से लगाना है ताकि इसमें कोई चुन्नट ना आए और ये बिल्कुल नीट लग जाए। सेंटर का निशान लगा लें, जब भी आप कोई भी घघरी लगाने लगें तो आप इसमें सेंटर का जरूर निशान लगाएं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो घघरी स्टिच करते हुए। देखिए व्यूअर्स, हम घघरी भी सिलाई कर चुके हैं। व्यूअर्स, इसे हम इनर के साथ भी लगा सकते हैं लेकिन अगर हम अलहदा अलहदा लगाते हैं तो ये ज़्यादा नीट लगती है। अब हम इसे इनर के, ये देखिए इनर इसके ऊपर लगाकर आपको बताएंगे कि आपने किस तरीके से लगाना है। तो सबसे पहले हम इसके साइड के स्टिचिंग कर लेंगे। ये देखिए साइड की स्टिचिंग कर रहे हैं हम, क्योंकि व्यूअर्स जो हमने पहले नेट की घघरी लगाई है वो पूरा राउंड एक सर्कल था, वो हम आराम से लगा चुके हैं और इसमें एक जोड़ आना था, यानी कि एक सिलाई आनी थी, इसमें जोड़ नहीं है वो। अब इसे हम इसके ऊपर लगा देंगे। व्यूअर्स, इसे हम थोड़ा सा लूज रख कर लगाएंगे ताकि हल्की हल्की चुनटें आती रहें और जो घघरी है वो नीट लग जाए। हम साइड्स के स्टिचिंग कर चुके हैं और इसकी हमने घघरी की भी स्टिचिंग कर ली। अब आप देख रहे हैं कि ये जो हमने पेटी बनाई है ये इस तरीके से अच्छी, थोड़ी सी अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है। आप इसे इस तरीके से भी लगा सकते हैं और आप चाहें तो इसे कटिंग भी कर सकते हैं। देखिए, हम आपको कटिंग करके इसकी शेप चेंज कर दिखाएंगे। ये बिल्कुल अभी आपको स्ट्रेट पेटी लग रही होगी लेकिन अब जब हम इसे कटिंग कर देंगे और डिज़ाइन दे देंगे तो ये एक बहुत ही स्टाइलिश मैक्सी हो जाएगी। कटिंग करके हम आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। देखिए व्यूअर्स, हम इसे स्ट्रेट बिल्कुल सीधे से थोड़ा सा कट डाल के हमने इसमें इसे स्टाइल दिया है। आप देख रहे हैं पहले ये बिल्कुल नीचे से सीधा था, अब ये कट चुका है। अब व्यूअर्स, हम स्लीव्स लगाने के बाद आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। ये देखिए, हम आपको ये पीस दिखाते हैं जो हमने निकाला है इसमें से। ये बिल्कुल सीधा था, अब ये थोड़ा स्टाइल हो चुका है। देखिए व्यूअर्स, हम स्लीव्स की भी स्टिचिंग कर चुके हैं और अब हमारी मैक्सी रेडी है। व्यूअर्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकें
और व्यूवर्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर टच कीजिए। इससे आप हमारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन हासिल कर सकेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। कल एक और नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।